हेलो एंड वेलकम गाइस टू एस्पायरिंग टेक। मेरा नाम है ऋषभ और आज हमारे पास फाइनली आ चुका है वन प्लस नॉर्ड और इस वीडियो में इसका रिव्यू देंगे और काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा वन प्लस की साइड से भी और कहाँ पे कॉस्ट कटिंग वगैरह हुई है वो भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं सीधे स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पे हमें 90 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है HDR10 सपोर्ट के साथ, जी 6.4 इंचेस का फुल HD पैनल है और ट्रस्ट मी मेरे को कोई इशू नहीं है इस डिस्प्ले से। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह, सनलाइट विजिबिलिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को एट पार है इस प्राइस पर आने वाले सभी डिवाइसेस से, और कोई आपको बिगर मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर आप बात कर रहे हैं लो सेटिंग्स पर, उसके ऊपर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने कवर भी किया है इसको, मैं उसको यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा उस बात को। अब यहाँ पर हम आ गए अपने सेकंड पॉइंट पे जो कि परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही केपेबल प्रोसेसर है लेकिन एक फ्लैगशिप प्रोसेसर को मैच नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो डे टू डे टास्क आप करेंगे, कॉलिंग, व्हाट्सएप देखना, अपना इंस्टाग्राम की फीड स्क्रॉल करना, ट्विटर, फेसबुक, वो सब बहुत एट ईज कर रहा है हैंडल। और उसके साथ साथ कैमरा परफॉर्मेंस भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। चिपसेट की वजह से कैमरा परफॉर्मेंस में कोई मेरे को इशू अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो UFS 2.1 स्टोरेज यूज़ करी गई है इस डिवाइस के अंदर, वो भी एक तरीके का बॉटल नेक नहीं बोलूंगा यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है 765G के साथ ये फ़ोन। और उसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीटास्किंग वगैरह और रैम मैनेजमेंट वगैरह का भी कोई इशू देखने को नहीं मिलता है इस फोन में। उसके साथ साथ यहाँ पे आप बात करते हैं ऑक्सीजन OS की यहाँ पर, जो कि वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट है इस डिवाइस का भी, और एक एंट्री लेवल वन प्लस डिवाइस के साथ होने के साथ साथ इट गिव्स देयर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, मैं आराम से बोल सकता हूँ ये बात भी, और एट पार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा इसके फ्लैगशिप डिवाइसेस के आसपास है। और ऑक्सीजन OS काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और 90 हर्ट्ज पर बहुत अच्छा चल रहा है ये फ़ोन। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर, आज पर जो फ्लैगशिप फ़ोन जो है वन प्लस 8 या फिर वन प्लस 7T या फिर पिछले साल का 7 प्रो भी, उसके जितना मेरे को 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी है। अच्छी है लेकिन एट पार नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है इस पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो जो डिस्प्ले थोड़ा सस्ता यूज़ करा गया है उसकी वजह से थोड़ा सा हार्डवेयर इसको रोक लेता है। लेकिन 90 हर्ट्ज़ अच्छा है और आपने अगर पहले नहीं यूज़ करी है तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये डिस्प्ले। और मेरे को UI में एक दो स्टटर्स ज़रूर देखने को मिले लेकिन नथिंग मेजर और बहुत ही रैंडम थे। तो नेक्स्ट इसका सेलिंग पॉइंट जो बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, वो है 5G नेटवर्क, जो कि इंडिया में नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। और एक मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं, वो अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि नथिंग मेजर हैज़ प्रोग्रेस्ड इन इंडियन 5G मार्केट। तो उसको यहाँ पे आई आइकन को क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं आप उस वीडियो को। और उसके साथ साथ वाईफाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग भी बहुत अच्छी चल रही है इस डिवाइस के अंदर। उसके साथ साथ LTE भी मेरे को कोई इश्यू देखने को नहीं मिला है और वॉइस ओवर LTE भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेटवर्क रिसेप्शन भी मेरे को कोई इश्यू नहीं आया, यहाँ पे मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ इस डिवाइस के अंदर। जो भी मैक्सिमम नई चिपसेट्स हैं स्नैपड्रैगन की इस साल की, वो नाविक सपोर्ट करती हैं। अब चलते हैं अनदर वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक जो कि है इसके कैमरा मॉड्यूल। तो जो प्राइमरी सेंसर है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, उसके साथ साथ जो वाइड एंगल लेंस है वो भी बहुत यूजेबल है, लेकिन जो बाकी दोनों लेंसेज हैं वो यूजलेस हैं, मैं बाकी लोगों की तरह ही बोलूँगा यहाँ पर भी, नथिंग चेंजेस आर दैट। और उसके बावजूद कि इसमें काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं और मैंने अपडेटेड वर्जन ही टेस्ट किया है डिवाइस का, उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि इट स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट, और मेरे हिसाब से इनको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोबडी इज़ यूजिंग दैम। और अगर आप यूज़ करें तो नीचे कमेंट्स करके बताइए मेरे को। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा वन प्लस के डिफेंस में भी, कि सिर्फ हम जैसे टेक एंथुसियास्ट लोग और जो लोग टेक सेवी होते हैं वो लोग ही सिर्फ फ़ोन्स नहीं खरीदते हैं, हमारे पड़ोस में जो अंकल आंटीज़ होते हैं वो भी फ़ोन लेते हैं। तो उनको अगर आप बोलेंगे कि आपके फ़ोन में 4 कैमराज, तो दे विल बी लाइक नाइस, सो दे विल कंसिडर समथिंग विद अ 4 कैमराज। और इसके साथ साथ जो बिल्ड है, अनदर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक यहाँ पर, कि यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम यूज़ करा गया है और जेरी रिक एवरीथिंग का आप चैनल देखा ही होगा आपने इसका, तो बेंड हो गया है डिवाइस। लेकिन अगर आप इसको इन हैंड लेते हैं तो लाइट है फ़ोन, लेकिन मेरे को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में कोई भी अभी तक तो कोई इशू देखने को नहीं मिला, और डे टू डे यूज़ में
नहीं आने वाला आपको कोई इशू, अनलेस आप इसके ऊपर बैठ जाते हैं या फिर आप इसको अपनी बैक पॉकेट पे रख के बहुत ज़ोर से नीचे बैठ जाते हैं, तब तो काम हो जाएगा। और जो ग्लास है पीछे वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट करता है, लेकिन दे आर नॉट विजिबल एट फर्स्ट साइट। आप जब ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट के हिसाब से भी मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा ग्लास बैक है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। यहाँ पे हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 30 वॉट्स के फास्ट चार्जर से चार्ज की जा सकती है, जो कि इनबॉक्स आता है। उसके साथ साथ ये बैटरी अराउंड 1 आवर 0 to 100% चार्ज हो जाएगी, और हाफ एन आवर में 55 to 65 के आसपास आपको हाफ एन आवर में चार्ज मिल जाएगा इस डिवाइस का। और उसके साथ मैं बोलना चाहूँगा, आप 90 हर्ट्ज पर आप इसको नॉर्मल यूसेज करते हैं दिन में, जैसे आप थोड़ी देर कैमरा चला लिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन रहते हैं LTE पर, 90 हर्ट्ज पर YouTube वीडियोस देखते हैं 1 से 3 घंटे आराम से, पूरा दिन आराम से चल जाएगा ये डिवाइस। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ी गेमिंग भी करते हैं यहाँ पर, 2-3 घंटे अगर गेमिंग भी करते हैं दिन में, तो आप अपना डे एंड कर सकते हैं विद अराउंड 20% बैटरी लाइफ लेफ्ट। तो मैं कहूँगा एक दिन फ़ोन आराम से चलेगा। अब बात करते हैं इसमें मल्टी मीडिया कंजम्पशन की। तो जो इसका डिस्प्ले है, मैं बोलना चाहूँगा कॉम्पिटिशन के हिसाब से 8 पार है, बहुत अच्छा डिस्प्ले यूज़ करा गया है। यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले है 1080p का, HDR10 सपोर्ट करता है, जो कि मेरे हिसाब से शो भी होता है इस डिवाइस के ऊपर, तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसको एक मल्टीमीडिया कंजम्पशन डिवाइस के साथ भी। और इसका जो 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको इस डिवाइस के साथ भी। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे A71 देखने को मिलता है AMOLED स्क्रीन के साथ, यहाँ पे सैमसंग का वो डिस्प्ले इससे थोड़ा ब्राइटर है, लेकिन वो 90 हर्ट्ज नहीं है। और यहाँ पर अगर हम Realme X की बात करते हैं, X3 की, वो वहाँ पे हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का, तो LCD डिस्प्ले इसकी ब्राइटनेस को मैच और इसके कलर्स और ब्राइटनेस को मैच नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आप अगर कंसिडर कर रहे हैं Redmi K20 Pro, तो वो डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँगा 8 पार है ये डिस्प्ले मेरे को बेटर लगा उससे, मैंने यूज़ करा है वो डिस्प्ले भी, मेरे को ये डिस्प्ले बेटर लगा उससे। उसके साथ साथ यहाँ पर आप स्पीकर की बात कर लेते हैं, डाउन फायरिंग सिंगल स्पीकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टीरियो स्पीकर्स ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी जगह देखना होगा, लेकिन आप इसका भी वर्क अराउंड होता है रूट करके, लेकिन वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा। लेकिन इसका जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है लाउड इनफ है काफ़ी, और अभी मैं आपको सैम्पल सुनाई देता हूँ। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लाउड है और मीडियोकर स्पीकर है, लेकिन गुड इनफ है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और लाउडनेस में भी क्लैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मेरे को इस डिवाइस की। तो आप इसमें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस डिवाइस के साथ, अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन्स पर, तो ये कंसिडर कर सकते हैं आप। और साथ साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो फुल HD पे चलेगा, वाइड वाइन L1 सपोर्ट है इसके। अब मैं यहाँ पे फाइनल पॉइंट्स बोलना चाहूँगा अपने इस डिवाइस के बारे में। आप कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा पैसे मांगता है एज़ पर द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे हमें Realme X3 देखने को मिल जाता है, Redmi K20 देखने को मिल जाता है विद अ बेटर चिपसेट। तो मैं कहूँगा आप अगर गेमिंग वगैरह करते हैं तो ज़रूर आप बाकी उन दोनों फ़ोन्स को कंसिडर करिए, लेकिन आप अगर और भी और कुछ देखना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर, मैं अभी भी सजेस्ट कर सकता हूँ आपको OnePlus Nord और 765G। ऐसा कोई बेकार चिपसेट नहीं है, काफ़ी केपेबल चिपसेट है, तो आप इसको गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लाइट गेमिंग करते हैं। लेकिन आपका मेन फोकस अगर गेमिंग है और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस हंगरी हैं आप, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दूसरे फ़ोन देख सकते हैं। लेकिन इसका सॉलिड पॉइंट मेरे को यही लगा कि ये OnePlus की तरफ से आता है और कैमराज भी गुड इनफ हैं, और जो डिस्प्ले है मेरे हिसाब से बहुत माइंड ब्लोइंग है, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, बहुत ही अच्छा पैकेज है ये अभी भी। एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़रूर ये ओवर हाइप डिवाइस है, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मिड रेंजर है जो कि वन प्लस की तरफ से आता है और काफ़ी अच्छा पैकेज है, लेकिन नथिंग मोर, कोई ऐसा कोई नथिंग स्पेशल। जितने भी लोगों को इससे कंप्लेंट्स थी वो बेसिकली इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से थी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा idiotic एंड नो ऑफेंस। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि दिस फ़ोन इज़ गुड, ऐसा नहीं है कि बेकार फ़ोन है, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, द OnePlus Nord फ्रॉम OnePlus।
तो इतना था कि इस वीडियो मिलकर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस डिवाइस के ऊपर, या फिर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं नीचे बताइए और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं इस डिवाइस में, या फिर आप और कोई कंपैरिजन वगैरह पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट्स कर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।